नमस्कार दोस्तों, ऑटोकैड के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग ऑटोकैड में नया कमांड सीखेंगे। फाइल को ओपन करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा कमांड रहेगा दोस्तों, वो मॉडिफाइड पैनल में ही हम लोग सबसे पहला लेंथेन कमांड को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको देखने से पहले क्या करते हैं, एक हम लोग सपोज लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 5 रख देते हैं इसको और इसके बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। अब लेंथेन कमांड को यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सपोज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑप्शंस हैं, डेल्टा, परसेंटेज, टोटल, डायनेमिक, ठीक है। डेल्टा पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। अब डेल्टा जो होता है, अगर आपको माइनर लेंथ को इंक्रीमेंट करना है तो उस केस में हम लोग डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब सपोज हम लोग रख दिए यहाँ पे 0.8, 0.8 देके हम लोग एंटर मार दिए, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू चेन, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला लेंथ जो था 5, इसमें इधर इसके राइट साइड में आपका लेंथ इंक्रीमेंट हो गया। क्लिक करते हैं, ये मेरा इंक्रीज हो गया और एंटर मार के स्किप करते हैं। आप भी इसका डायमेंशन मेजर करते हैं, सपोज ये फर्स्ट पॉइंट था मेरा और ये सपोज मेरा लास्ट पॉइंट था। तो देखिए 5.8 मेरा आ गया आपका, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर से इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे लेंथेन कमांड को। डेल्टा का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, ठीक है, और स्किप कर लेते हैं। फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बार जो हम परसेंटेज लेते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान रखना क्या, अगर आप परसेंटेज जो इंक्रीमेंट है अगर आपको 100 से अगर आप कम कीजिएगा तो वो ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है उसको डिक्रीज कर देगा, और अगर आप 100 से ऊपर रखिएगा तो ऑब्जेक्ट के लेंथ को इंक्रीज कर देगा दोस्तों, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 120 रखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर दिया, और अगर कर्सर को इधर रखते हैं तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर देगा। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका। अभी लेंथ इंक्रीज हो गया, फिर से हम सेलेक्ट करेंगे फिर इंक्रीज कर देगा, फिर रखेंगे तो फिर इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कमांड से बाहर निकलने के लिए इंटरफेस कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे लेंथ इसका बढ़ चुका है दोस्तों, ठीक है। फिर से हम क्लिक करते हैं लेंथन पे। अगला आता है मेरा टोटल, टोटल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। टोटल में टोटल आपको कितना बढ़ाना है, सपोज रखना है 3 इंटर मार लीजिए और लाइन को आपका सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये रिड्यूस कर रहा है इसको आपका, इसको भी रिड्यूस कर देगा आपका। देखिए इस पर क्लिक किए और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों जो यहाँ पे 3 डिफाइन किया था वो फाइनल इसका लेंथ जो है आपको 3 पे ला के इसका छोड़ दिया। तो टोटल वैल्यू भी आप डिफाइन करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा इस पर हम फिर से क्लिक करते हैं, डायनेमिक आता है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो डायनेमिक में क्या होगा, आप अपने ज़रूरत के अनुसार देखिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इधर रखिएगा तो इंक्रीज होगा और इधर रखिएगा तो ये डिक्रीज होगा, आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन मेरा ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसका ओरिजिन होगा 0, इधर जाइएगा तो आपका देखिए घट रहा है आपका, और इधर जाइएगा तो आपको बढ़ेगा, ठीक है। इधर हमको सब 3 बढ़ाना है, 3 करके आप इंटरफेस कर लीजिए। तो ये आपका इंटरफेस कीजिए, मेरा ऑब्जेक्ट 3+3=6 आपका हो गया, ठीक है। तो ये मेरा था लेंथेन कमांड दोस्तों, ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए अगला मेरा यहाँ पे आता है, एक मिनट, ये वाला ये आता है ब्रेक कमांड दोस्तों, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी लाइन को ब्रेक करने में इस्तेमाल होता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं सपोज, और ऑब्जेक्ट को हम देखिए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इस ऑब्जेक्ट को जिस फर्स्ट लाइन पे हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वहीं से ऑब्जेक्ट वो ब्रेक होगा। अब सपोज ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर से सेलेक्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहीं से मेरा ये ब्रेक हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम सेकेंड पॉइंट डिफाइन करेंगे जहाँ तक आपको ले जाना है, ठीक है।
जहाँ तक आपको ले जाना है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपको फर्स्ट पॉइंट सपोज रखता है ये रॉन्ग सिलेक्शन है मेरा, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए और फर्स्ट पॉइंट सपोज हम चेंज कर लेते हैं सपोज यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका चेंज हो गया। अब जहाँ तक आपको ले जाना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए और कमांड से बाहर निकल जाइए। तो इस पॉइंट को, लाइन को यहाँ से यहाँ ब्रेक कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए उसी तरह मेरा अगला यहाँ पे देखिए आता है, यहाँ पे आपका पॉइंट ये ब्रेक करने का, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सपोज, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे आपको ब्रेक करना है उसको बोलेगा, ठीक है। यहाँ सपोज मुझे इस पॉइंट से ब्रेक करना है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा अलग हो गया और ये मेरा ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया, पहले क्योंकि सिंगल लाइन था लेकिन अब ये डबल लाइन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे पॉइंट ब्रेक, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है ज्वाइन, इस पर ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। अब जिस ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करना है इसको सेलेक्ट कीजिए, सपोज इस पूरे कंप्लीट को ज्वाइन करना है मुझे, सेलेक्ट कर लीजिए, इंटरप्रेस कीजिए। देखिए कंप्लीट जो है मेरा ये ज्वाइन होके एक सिंगल लाइन में मेरा कन्वर्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें ब्रेक किया और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्लियर है दोस्तों मेरा। चलिए अगला आता है मेरा रिवर्स का ऑप्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सपोज एक स्प्लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सपोज, ठीक है। एक सपोज स्प्लाइंस को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ऑर्थो मोड को ऑफ कर लेते हैं, इंटरफेस करते हैं और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें जो मेरा कंट्रोल पॉइंट है वो यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपना कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मुझे इसको डायरेक्शंस को जो है रिवर्स करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इस रिवर्स का ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं। अब क्या करते हैं, इस स्प्लाइन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या था, मेरा ये कंट्रोल पॉइंट इधर में था, अब ये चला गया मेरा इधर। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार उसको आप रिवर्स कर सकते हैं या फिर उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार आप इसको यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसी में मेरा अगला आता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिट पॉलीलाइन और अगला है मेरा एडिट स्प्लाइन। एडिट स्प्लाइन पे क्लिक करते हैं, इस पर सिलेक्ट करते हैं, तो ये स्प्लाइंस को आपको एडिट करने देगा दोस्तों, ठीक है। अगर वर्टेक्स को एडिट करना है तो वर्टेक्स को एडिट कर सकते हैं, फिट डाटा करना पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो वहाँ कर सकते हैं। सपोज वर्टेक्स को एडिट करना है क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे ऐड करना है ऐड कर लीजिए जहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे तो या तो आप लाइन आइटम को यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करके भी आप ये ऑप्शंस को ला सकते हैं, या मॉडिफाइड में जाके यहाँ से भी सिलेक्ट करके इस ऑप्शंस को आप ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन है दोस्तों। चलिए उसी तरह मेरा यहाँ पे एडिट पॉलीलाइन है, सेम उसी तरह आपका ये कहाँ इस्तेमाल होगा दोस्तों। चलिए सपोज हम यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, इंटर मारते हैं। अब देखिए ये मेरा अलग अलग सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, इसको कंप्लीट एज ए सिंगल सिलेक्शन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मॉडिट फाइव में जाएंगे और यहाँ पे एडिट पॉलीलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम पूरा कंप्लीट लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। डू यू वांट टू टर्न इनटू द वन, यस कर लेंगे और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस करके एस्केप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मेरा जो पहले सिंगल सेलेक्ट हो रहा था एज अ पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। हम लोगों ने तो नाइन का यूज करके ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पी एडिट कमांड का यूज करके इसको हम लोगों ने कंप्लीट एक एज अ सिंगल में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। उसी तरह मेरा अगला यहाँ पे आता है हैचेज एडिट और यहाँ पे आपका ये एरे का, ठीक है। तो सिंपल आप कहीं पे भी अगर आप एरो को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके भी आप उसको चेंज कर सकते हैं या फिर यहाँ वाला ऑप्शन से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आप अपने सहूलियत के अनुसार आप वहाँ से यूज कर सकते हैं।
चलिए अब इसी में मेरा जो कमांड है एक अलाइन का कमांड है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं देखिए, सपोज एक हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सपोज, ठीक है, इंटर मारते हैं। अब मुझे चाहिए क्या, ये ट्रायंगल जो है इस रेक्टेंगल के साइड में मेरा अलाइन हो जाए, ठीक है। तो इस पर हम अलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब पूछेगा स्पेसिफाई सोर्स फर्स्ट पॉइंट, मुझे ये फर्स्ट पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट मेरा ये रहेगा, ठीक है। फिर से सेकंड पॉइंट मेरा ये लेते हैं और मेरा ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमको नहीं देना है, इंटर प्रेस करेंगे। डू यू वांट स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट, नो करेंगे और इंटर मारेंगे। तो देखिए उस जो हम जो पॉइंट सेलेक्ट किए थे दोस्तों उसके करस्पॉन्डिंग ये अलाइन हो गया, ठीक है। और अगर हम सपोज कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं और हम सपोज इसका सेंटर पॉइंट हम पकड़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड इसका रखते हैं ये और एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग वो अलाइन कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट को अगर अलाइन करना होगा तो उस केस में हम लोग अलाइन कमांड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मॉडिफाई में मेरा ये हो गया। और देखिए इसमें अगला जो मेरा आता है यहाँ पे ये वाला है डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, सपोज हम एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसी रेक्टेंगल पे हम लोग यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन और इसके बटन प्रेस करते हैं, ये रेक्टेंगल को हटा लेते हैं हम लोग सपोज, ठीक है। अब देखिए मेरा इसी ऑब्जेक्ट में मेरा एक लाइन भी आ रहा है और इसी मेरा एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि ये लाइन तो नॉर्मल केस में देखिए हाईलाइट नहीं हो रहा या पता नहीं चल पाएगा, अब मुझे इसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके इंटर मारेंगे। अगर इसमें से किसी को इग्नोर करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉर्मल केस में लोग डिफॉल्ट रखते हैं रीडिंग और यहाँ पे ओके करते हैं। तो अब देखिए जो मेरा यहाँ पे लाइन था एक हाईलाइट जो हो रहा था वो यहाँ से हट गया है दोस्तों। तो इस कमांड का नॉर्मल केस में हम लोग यूज़ वहीं करेंगे जहाँ पे एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन अगर ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, उसको अगर आपको हटाना है तो उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाइड में जाते हैं आपका, और मेरा ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन रह गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल भी ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं दोस्तों, चलिए इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं दोस्तों और फैक्टर से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, चलिए ये हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, ये सारा फिगर में हम लोग यहाँ पे एक हैचेस कमांड का मदद से कुछ एक कलर देते हैं इसको, सपोज एक सॉलिड कलर रखते हैं इसको, ठीक है, येलो कलर रखते हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ क्लोज करते हैं चीज़ को, फिर से सेलेक्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इस बार, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है, फिर से हैचेस लेते हैं और रेड कलर लेके हम लोग ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लोज करते हैं दोस्तों, ठीक है, ये मेरा फिगर बन चुका है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए, जो मेरा ट्रायंगल वाला जो ग्रीन कलर था वो रेड कलर के पीछे दब गया, उसी तरह मेरा जो येलो कलर था वो दोनों के पीछे में दब गया। अब सपोज मुझे चाहिए जो येलो कलर वाला है वो मुझे फ्रंट में रहे, ठीक है,
तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मॉडिफाई में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस पैटर्न को, इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए ये मेरा फ्रंट में आ गया। इसमें ध्यान रखिएगा, आप जो सेलेक्ट किए हैं, आप हैचेज को सेलेक्ट किए हैं, इसलिए हैचेज आया है, उसमें आपका जो रेक्टेंगल वाला पार्ट था वो नहीं आया आपका, ठीक है, उसको भी लाने के लिए सेम यही रहेगा आपका। यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट कीजिए, पॉली लाइन को, और यहाँ एंटर मारिए। तो अभी देखिए यहाँ पे बाउंड्री में आपको दिख रहा एक कलर आपका लाइन का आ गया है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह मेरा सेकेंड में यहाँ पे आता है सेंड टू बैक, ठीक है। अब सपोज मुझे ये जो सर्कल है आपका, ये दोनों के देखिए बीच में दिख रहा है, इसको हमको पीछे भेजना, तो सेंड टू बैक पे क्लिक करें और ऑब्जेक्ट हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करते हैं। तो देखिए दोनों के पीछे आपका चला गया सर्कल, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरा अगला जो आता है यहाँ पे है ब्रिंग अबव द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों कि सपोज ये मेरा सर्कल जो है ये रेक्टेंगल के पीछे में है, इसको हमको इसके आगे लाना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रेफरेंस ऑब्जेक्ट मेरा ये रहेगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करेंगे। तो देखिए इस ट्रायंगल के मेरा आगे में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरह मेरा नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए सेंड अंडर द ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें भी वही होगा आपका, सपोज ये मेरा जो रेक्टेंगल है इसको हमको सर्कल के पीछे करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रेफरेंस के लिए मेरा ये सर्कल रहेगा और राइट क्लिक करते हैं। तो देखिए आ गया आपका दोस्तों, इसके पीछे चला गया और सर्कल आपका इसके आगे आ गया, ठीक है। चलिए उसी तरह मेरा अगला इसमें आता है आपका यहाँ पे ब्रिंग टेक्स्ट टू द फ्रंट, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करते हैं हम, सपोज कंट्रोल जेड की प्रेस कर लेते हैं 1 मिनट, ताकि टेक्स्ट मेरा पीछे चल रहा है, ठीक है, अभी पीछे चल गया। अब करेंगे इस टेक्स्ट को हम लोग आगे लाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ब्रिंग टेक्स्ट टू फ्रंट, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक जो यहाँ पे टेक्स्ट था आपका फ्रंट में आ गया दोस्तों, सेलेक्ट करने का भी जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। उसी तरह मेरा नेक्स्ट यहाँ पे आता है ब्रिंग डायमेंशन टू द फ्रंट, तो आप जहाँ पे डायमेंशन का यूज होगा आपका दोस्तों, तो वहाँ पे आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे आप लेजर्स आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग आगे में देखेंगे लेजर्स क्या होते हैं, वहाँ पे आपको फ्रंट में लाना, तो उसको सेलेक्ट डायरेक्ट कर लीजिए आ जाएगा। उसी तरह आपका एनोटेशन में भी हो जाएगा, ठीक है। और अगला है सेंड हैचेस टू द बैक, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह ये भी आपका हो जाएगा, ये सारा ऑप्शंस हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ये आपका इस कमांड का सारा बेसिक्स है दोस्तों, ठीक है। तो होप ये सारा आपको जो यहाँ पे मॉडिफाइड टूल में जो था आपका सारा कमांड आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।